चल बच्चा हाथ में तोड़ियो बस। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं एक कॉम्पिटिशन खेलने जो है दिल्ली में। एक दोस्त है हमारा शुभदीप, वो करा रहा है इब्राहिमपुरी में। तो लेट्स सी क्या होता है। शुभम भी हमारे साथ जा रहा है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मैं दिखाता हूँ उसको। भाई बहुत दिनों बाद कंपटीशन खेल रहा है। अबे नहीं खेल रहा, कुछ नहीं पता खेलूंगा नहीं खेलूंगा, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। अपना बेस्ट देना है बस। और चलिए, एक भैया भी जा रहे हैं इसके जिम ट्रेनर, देखते हैं क्या होता है। और मेरे भैया के वो बता स्टैट्स, मेरे भैया खेलते हैं बेंच, पावर लिफ्टर है। हाँ, मतलब प्रॉपर पावर लिफ्टिंग नहीं खेलते, उनके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है। बेंच खेलते हैं, 210 की बेंच है ऑन स्टील। बॉडी वेट? हाँ बॉडी वेट 85-90 के। भाई साहब 210 की बेंच, ऑन स्टेज मारी हुई है मुकेश गहलोत के पैर छूते हुए। भाई साहब मतलब हमारे जैसे तो दो तीन लपेट देंगे एक साथ में। नहीं, आम रेसलिंग में फिर वही वाली बात है ना, एक्सपीरियंस वाली बात। हाँ, मतलब आम रेसलिंग की जान अलग होती है और पावर लिफ्टिंग ये सब पर। हाँ, एक तरह से उनके जो रिस्ट विस्ट है वो हार्ड तो होगी, खोलने में दिक्कत होगी, पर एक्सपीरियंस मांगता है हर गेम, तो वही है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पे और थोड़ा कुछ खा पी के आए थे। वेइंग वेइंग सब हो चुके हमारी। ये खेल नहीं रहा, मैं खेल रहा हूँ राइट से। और उधर इतनी भीड़ हो रही है, दिखाते हैं, आइए चलो। हाँ, हो रहा है कॉम्पिटिशन और भीड़ देखो आप लोग, ये देखना कितनी पब्लिक आई है भाई, 100-200 लोग। फाइट हैपेंस जब रेफरी की बात ना माने बंदे। अगले बाउ अंडर 70 है, अंडर 60 है, अंडर 70। अबे यार ready for bouts? Yep. Let's see. क्या होगा? फिर से मैं लिया ना मेरी। हाँ शहर में। तो मैच कब का लेते हैं? इतना ही। Ready go. चलो आई बन की वीडियो। वैसे तो मैं हूँ। भाई समझ गया ना? देखिए मेरा आ रहा है। वैसे तो मैं हूँ। चल राज, चल बस रिंकू और राज सिंह है, मोहित और सूरज है। चल राज और चल मोहित और सूरज कर दिया। भाई सूरज को किससे बता दिया? मोहित क्रिश को नहीं है भाई, इससे पहले भी आया, वो भी कहना पड़ा भाई। भाई भाई ग्रुप में नहीं आए भाई, साथ में भैया नीचे हो भाई, आज सब में नीचे कर दो मेरे को। राज चल बच्चा, हाथ मत तोड़ियो बस, हाथ नहीं तोड़ना बच्चा है।
हेलो पता नहीं अभी नहीं सी बोला चल राज चल रुक में डाल डाल रुक में चल ये गया ओ रजनी रीमैच करने के लिए बोलते हैं रीमैच के लिए बोलते हैं रीमैच के लिए इंग्लिश के बाद अरे हम चल राज चल आराम से राज आराम से वो तू हार गया ना ज्यादा जोर नहीं लगाना ये करना है बढ़िया बस कौन ही उठा दे इसकी कोई बात नहीं मेरा पकड़ने का नहीं थोड़ा पीछे रख उसको राइट बताना धोनी को पीछे जाएगा चल राज उसकी मर्जी होगी नहीं है चल राज चल चल राज चल यार चल चल राज चल 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 राज चले चले रेडी गो चल राज चल तो भाई मेरा लगा है ब्रॉन्ज क्योंकि नॉकआउट चला था एक हाथ से बाहर और मैं बता रहा हूँ इसका गोल्ड आने वाला है और मैं खड़ क्यों आया रीज़न यहाँ मेरी ये मतलब ये बकल से कट गया तो दर्द हो रहा है यहाँ और यहाँ बकल बकल देख रहे हो घुस गई थी भाई टाइम देख लो ठीक है मैचेस अभी शुरू नहीं है पहले फ्यूचर डिसाइड हो गया है 70 kg गोल्ड है क्या और COC भी है ये क्लैपिंग खुद के लिए करते कोई बात नहीं सो गाइस मेरी आई है थर्ड पोजीशन और मेरे को इस बात का दुख नहीं है मतलब खुशी है क्योंकि इंजरी के बाद थर्ड आई हाँ और मैं 6-7 महीने से ट्रेन भी नहीं कर रहा उस लेवल पे जिम भी छोड़ रखी है और 66 बंदर थे नो एक्सक्यूजेस नहीं आ पाई क्योंकि हम इतने तगड़े नहीं थे हाँ। आगे जाके हम लगा हाँ। आगे जाके सब कैसे तैसे करेंगे और 66 प्लेयर थे उसमें तुम्हारे भाई ने थर्ड पोजीशन सिक्योर करी है और नॉकआउट चल रहा था एक हारते ही बाहर स्टार्टिंग से ही तो खुश हूँ मैं थर्ड आया खुश हूँ अब कम बैक होगा तगड़ा वाला बस देखते रहो आप लोग सो गाइस बीच द्वारका हाईवे पे पेट्रोल खत्म हो चुका है मौज कर रहे हैं हम सारे बस वेट कर रहे हैं कोई पेट्रोल देने आए ये भाई कह रहा है मैं दौड़ मार के लिए भाई भाई जाएगा जय बाबे की भाई ने यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है और हम भी यहाँ खड़े हुए हैं एक दूसरे को देख और भाई भाई की गाड़ी नहीं भाई की गाड़ी भाई हालत खराब है बस बाहर यहाँ जा रहे हैं भाई भाई और बताओ भाई क्या हाल है ठीक है अब एरोप्लेन आएगा तब रिकॉर्ड बेटा भाई दादा भी बोल जय बाबे की खचरा ही कहते अलग बंदा ये खचरा ही है भाई देख तो भाई अब उतर चुका हूँ मैं और अब जा रहा हूँ घर
रात हो गई, मैं थक चुका बहुत। इफ व्लॉग देख के अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।